सब्सक्राइब कीजिए इंडियन मनी हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए तुरंत हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। जिन पेरेंट्स के पास उतने ज़्यादा सफिशिएंट फंड नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए, उनको उतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, ये वीडियो उनके लिए है। आप एंड ऑफ द वीडियो तक ये समझेंगे और ये आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एंड आपके बच्चे को अगर पढ़ना है प्लीज़ डू नॉट स्टॉप हिम और हर फॉर एनी रीज़न। आप बहुत सारे ऐसे आजकल स्कीम्स आते हैं जिसके ज़रिए ये चीज़ कर सकते हैं, या फिर जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है जो बिकॉज ऑफ फंड, पैसे की वजह से वो अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे या फिर वो स्कूल नहीं जा पा रहे, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया और आपको ये पता चलेगा कि इतने सारे स्कीम्स हैं आजकल की किसी भी वजह के वजह से आपको आपकी पढ़ाई रोकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनडाउटेडली। सो बिफोर आई बिगिन, मैं ये आज जो जिस बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ वो है एक योजना के बारे में जिसको प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कहा जाता है। अब इस योजना में आपको ऐसे ऐसे एडवांटेजेस पता चलेंगे अगर बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न आप आपके बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, आप उनको पढ़ा नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर, देन दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। आपको समझ में आएगा कि अगर आपकी कैपेसिटी के बाहर हो रहा है अभी, लेकिन ऐसे आज भी देश में गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी ऐसे ये स्कीम स्पेशली है और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप यूटिलाइज करके आपके बच्चों को आप स्कूल भेज सकते हैं। सो टू बिगिन विथ, इसको लॉन्च किया गया था बाय फिनेंस मिनिस्ट्री और इसको लॉन्च किया गया था ऑन 15th August 2015 को। इसके पीछे जो मोटिवेशन था, कह सकते हैं आप इंटेंशन था इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे, बस यही था कि कोई भी बच्चा जिनको पढ़ने की इच्छा है या फिर कोई भी पेरेंट्स जिनको आपके बच्चे को या फिर मे बी उनको अपने टाइम पे वो एडुकेशन नहीं मिला बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ ओवर फैमिली प्रेशर, ओवर वर्क प्रेशर, उनको बहुत यंग एज से काम करना पड़ा, जो लोग खुद नहीं कर पाए वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि उनके बच्चे कल पढ़ लिख के बड़े हों। सो दिस स्कीम इज़ फॉर देम जो चाहते हैं कि वो अपनी एडुकेशन को परस्यू करें, एडुकेशन कुछ पढ़ के कुछ बन के दे शुड डू समथिंग बिग, दिस स्कीम इज़ एंटायरली फॉर देम। और हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है जो ये इम्पोर्टेंस एडुकेशन का समझती नहीं है, वो ये समझते हैं कि इफ़ स्पेसिफिकली अगर आप गर्ल चाइल्ड की भी बात करें, लेट देम बी एट होम, अगर कोई लड़का है तो वो ये सोचते हैं कि बचपन से उनको भी काम पे लगा दो सो दैट अ थर्ड पर्सन्स अर्निंग ऑल्सो कम्स इन। बट इसका इम्पोर्टेंस हर पेरेंट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को हमेशा आपको एनकरेज करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू देयर करियर। सो ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली में अपने करियर को सीरियसली लेते हैं, जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअली में फिनेंशियल कैपेसिटी की वजह से, फिनेंशियल अफोर्डेबिलिटी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे। सो ये स्कीम उनके लिए है। हमारे देश में ऐसे 35 बैंक्स है और अराउंड 75 एजुकेशनल स्कीम्स है। सो जो आपको अभी करना है, अगर आपको इस बारे में पता नहीं है तो आजकल इंटरनेट किस लेवल में काम आता है हम सभी जानते हैं, हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, हर डिटेल। अगर आप किसी स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं, किसी फैसिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई लॉ के बारे में जानना चाहते हैं, सो एवरीथिंग इज़ देयर अवेलेबल इन द इंटरनेट। सो आपको बस यही करना है कि अगर किसी चीज़ के बारे में डिटेल चाहिए, अगर आपको इन स्कीम्स के बारे में जानना है, अगर आपको ये पता करना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के ज़रिए आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप अनडाउटेडली आप इंटरनेट से सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि ऐसे 35 बैंक्स है जो आपको लोन प्रोवाइड करती है और ऐसे 75 एजुकेशनल स्कीम्स है जिसके ज़रिए आप आपके बच्चे का एजुकेशन कम्प्लीट कर सकती हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसमें आपको जस्ट जाके लॉग इन करना है। यू हैव टू फिल अप योर डिटेल्स, आपके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वो लोग मांगेंगे जैसे कि आपका नाम, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास हो, क्योंकि ईमेल आईडी के ज़रिए ही जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। सो जैसे ही आप ये दोनों चीज़ आपके पास है, आप कंप्लीट डिटेल्स फिल कर सकते हैं। आपको आपके ईमेल आईडी पे जो भी आपने लॉगिन के टाइम पे दिया होगा उस ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन मैसेज आएगा या फिर आप कह सकते हैं मेल आएगा जिसमें जो लिंक प्रोवाइडेड है उस लिंक को खोल के आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब आप ये सोच सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एडुकेटेड नहीं हूँ, आई कैन नॉट फिल अप, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है, तो अगर आपने 1 to 7 तक की भी पढ़ाई की हुई है तो बेसिक थिंग्स वहाँ पे जैसे जो डिटेल्स पूछे जाते हैं दोज आर वेरी मिनिमल डिटेल्स जो सबको पता होती है, जैसे कि आपको आपका नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ में भी आपके पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे, आपके जो और पर्सनल बेसिक इन्फॉर्मेशन से वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, एक्सेट्रा। सो ये सारी कुछ
कुछ कॉमन चीजें हैं जिसका डिटेल्स कोई भी दे सकता है। आप जैसे ही अपनी सारी डिटेल सबमिट कर देंगे, आपका जो ईमेल आईडी है, आपका जो पासवर्ड है, उसके जरिए आप लॉगिन कर सकती हैं लिंक पे। एंड लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा जिस जो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। सो माय सजेशन वुड बी, जब भी, जनरली हम सबकी एक आदत है कि जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे कि द फर्स्ट पेज कम्स आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, और अगर कोई एग्रीमेंट होता है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, हम लोग उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम ज़्यादा उसको अवॉइड करके हम लोग या फिर क्लिक करके वी जस्ट मूव ऑन। सो डू नॉट डू दैट। उसमें सारी चीज़ों को समझिए, रीड इट प्रॉपरली लाइन बाय लाइन, एंड देन यू से आप जो क्लिक आपको करना होगा कि आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, उसको क्लिक करते हुए आप आगे बढ़िए। अब जब आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे, आपको ऑप्शंस दिखेंगे बहुत सारे, जैसे कि लोन एप्लीकेशन, लोन स्कीम, आप उसमें सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन से लोन स्कीम, इतने सारे एडुकेशन लोन के ऑप्शन है आजकल, आप उसमें स्कीम सर्च कर सकती हैं, आप उसमें फॉर्म्स में सारी डिटेल्स दे सकती हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जब आप एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन फॉर्म खोलती हैं, तब आपको क्या क्या डिटेल्स मेनली डालनी होती है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी माइन्यूटली, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, आपकी जो और डिटेल्स पूछी जाएगी। आपके पेरेंटल डिटेल्स भी आपको डालने होंगे, और इसके बाद आपके जो नॉर्मल बैंक डिटेल्स होती है, IFSC कोड, प्लीज़ कैरी ऑल दोज थिंग्स जब भी आप अगर लोन लेने जा रही है, आप अगर ये डिसाइड कर चुके हैं कि यू वॉन्ट टू टेक योर एडुकेशन टू अ नेक्स्ट लेवल, आप पढ़ना चाहती हैं, इन दैट केस सारी डिटेल्स के साथ आप फॉर्म फिल करने आपको बैठना चाहिए। जो बैंक डिटेल्स है जिसमें जस्ट नॉट द बैंक अकाउंट नंबर, बैंक प्रॉपर नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर सही तरीके से आपके पास रेडी होना चाहिए बिफोर यू साइन इन। अब जैसे ही आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फिल कर देंगे, आपके पेरेंटल इन्फॉर्मेशन को फिल कर देंगी, खुद के इन्फॉर्मेशन को फिल कर देंगी, आपके जो बैंक डिटेल्स है उनको भी फिल कर देंगी, इसको सारे चीज़ों को सबमिट करने के बाद आपको एक और मेल आएगा व्हेन यू हैव successfully and completely applied for it, and आपको जो next thing which will come to your mind is, अभी मैंने already apply कर दिया है, then how am I supposed to know कि मुझे what is the status of my application? तो जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको home screen में apply करने के बाद एक loan application status भी दिखेगा, अब वहाँ click करके आप अपना status देख सकती हैं। If it is rejected, then आप पता कर सकते हैं कि for what reason it is getting rejected, अगर reject नहीं हुआ है तो आपको कब तक मिल जाएगा, वो सारे जो स्टेटस है वो उस ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। अब जब मैं सारे डिटेल में आपको बता रही हूँ कि आपको एप्लीकेशन कहाँ से फिल करना है, हाउ विल यू सबमिट इट, आप कैसे उसका स्टेटस देखेंगी, द नेक्स्ट पॉइंट विच कम्स इज, आपको जो कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं वो आपको कहाँ से पता चलेगा? तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, अगर आप कॉलेजेस के बारे में भी जानना चाहती हैं तो आपको कॉलेजेस का भी ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पे देख सकती है। आपको वहाँ पे ये भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप जो ये अप्लाई कर रही हैं, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, यानी कि आप कोई मेरिट पे आई हैं, या फिर आप कोई मैनेजमेंट कोटा के जरिए आई हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट कोटा होते हैं, व्हेन इट कम्स टू डांस कोटा, व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स कोटा, देर आर मेनी मैनेजमेंट कोटा, सो बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिली हुई होती है। सो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप वो चीज़ मेंशन कर सकती हैं। अब जब आपको कॉलेज से, हमेशा कोई भी आप कॉलेज में जाए तो आपको एक शेड्यूल दिया जाता है, एंड दैट शेड्यूल हैज़ मेनी डिटेल्स, आपके एग्जामिनेशन फीस, आपकी ट्यूशन फीस, आपकी जो बस कन्वेंस का जो खर्चा रहता है, व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म फी इफ़ यू हैव एनी, सो ये सारे जो बेसिक डिटेल्स होते हैं, या फिर आपके जो बुक्स में, स्टेशनरी में कितना ज़्यादा अमाउंट, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट का खर्चा है, वो सारे के इसको एक शेड्यूल कहते हैं जो हर जगह से आपको मिलता है, वो शेड्यूल आपको आपके पास रखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू अपलोड इट देयर, सो दैट आपको जो अप्रॉक्सीमेट आपके तरफ से रिक्वायरमेंट है वो पता चले बैंक वालों को कि whether this person actually needs this much of money, या फिर उनको इससे कोई ज़्यादा अमाउंट चाहिए, वो पता चलते आपके शेड्यूल जो आप डिक्लेयर करती है, जो आप अपलोड करती है उसको देख के। जो आखिरी पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, दैट इज़ अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, एंड इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि इसके बाद ही आपको अप्रूवल या फिर रिजेक्शन मिलता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप सही तरीके से कंप्लीट करें। सो एज अ स्टूडेंट, आपके पास हमेशा सारी जो मार्कशीट्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए, अगर आपने कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन किया हुआ है, फिर ट्रेनिंग करी हुई है, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आप उसको अपलोड कीजिए, आप उसको दिखाइए कि सिंस आई एम अप्लाइंग फॉर दिस लोन, आई एम एलिजिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स।
थिंग्स, आई वॉन्ट टू टेक माई करियर फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, मैं इसीलिए लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. बिकॉज वेन अ बैंक इज गिविंग यू लोन, वो आपको ये ट्रस्ट करके दे रहे हैं कि टुमारो यू विल रिटर्न बैक द मनी. सो उनको ये फेथ होना चाहिए कि जिनको वो लोन दे रहे हैं एक्चुअली दैट पर्सन इज वर्थ इट टू रिटर्न द मनी, राइट. सो प्लीज मेक श्योर कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, सब कुछ आप सही तरीके से अपलोड करें. एंड एट द सेम टाइम मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि वेन इट कम्स अबाउट द चेकिंग ऑफ द स्टेटस की कितने दिन में आपका लोन अप्रूव होगा या फिर नहीं होगा, तो इन दैट केस आप लोन एप्लीकेशन स्टेटस में उसको कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं. अब जब मैं बात करूं कि कौन कौन से कंपनी, कौन कौन से बैंक से जो आपको लोन देती है, दैट इज़ आप NBFC से भी आप ले सकती हैं, आप बैंक से भी ले सकती हैं, SBI, ICICI, HDFC एक्सेट्रा, सारे नोन बैंक, सारे बिग एंड स्मॉल बैंक यू कैन से दैट दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड यू लोन. सो आप प्लीज़ मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. अगर आप इस सोच में हैं कि आपके पास एनफ फंड्स नहीं है, देन द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द स्कीम्स जो आपको आपके एजुकेशन में हेल्प कर सकता है. सो प्लीज़ यूटिलाइज दिस टू द बेस्ट. सो इसी के साथ मैं अंत तक आ गई इस वीडियो के. अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल क्वेरी है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ गिव अ मिस कॉल टू अ फाइनेंशियल टोल फ्री नंबर, दैट इज 0226181611. आई दीति दत्ता साइनिंग ऑफ फॉर द डे. बहुत जल्द मिलूंगी आपसे. धन्यवाद.